हेलो फ्रेंड्स, ये हमने बेसन एक कटोरी ले लिया है और इससे मैं बेसन की आज सब्जी बनाऊंगी। बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगेगी। इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर देते हैं। ये बेसन की सेव वाली सब्जी है और ऑयल फ्री भी है, बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें स्वाद अनुसार नमक, और इसमें अब दो चुटके हींग डालेंगे। हींग से डाइजेशन भी सही रहता है। और अजवाइन, अजवाइन भी फ़ायदेमंद है, ज़रूर ऐड करें। अजवाइन से मुंह में जब आता है खाने में और अच्छा लगता है। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और अभी मैंने कमी डाला है, ज़्यादा मसाले नहीं यहाँ पे डालने हैं, बस इतना ही। और इन सारे मसालों को मिक्स कर देते हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और हमें इसे बहुत गीला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है क्योंकि हमें इसका शेप बनाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा, जैसे हम बेसन वाला सेव बनाते हैं नमकीन, वैसा ही हमें चाहिए। अब हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसका हमें सेव ही बनाना है। और इसको हम अच्छे से घोल लेंगे जब तक इसकी सारी गुठलियाँ नहीं ख़त्म हो जाती हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, अभी कुछ हल्का टाइट लग रहा है। ऐसे ही हमें चलाते रहना है, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और बेसन को जितना फेटेंगे उतना फ्लफी बनता है और जो हम सेब बनाएंगे वो बहुत सॉफ्ट रहेंगे। हमें सोडा भी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जितना फेटेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अब हम इसको ढक के रख देंगे 10-15 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो, ना समय हो तो ऐसे भी बना सकते हैं। और इधर हमने प्याज भी कट कर लिया है और लहसुन की कलियाँ, दो हरी मिर्च और ये बारीक कटा हुआ प्याज, और दो प्याज हमने बड़े बड़े काटे हैं, इनका पेस्ट बनाएंगे। और जब भी घर पे कोई सब्जी ना हो आप ऐसे बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको पीस लेंगे। इधर इंडक्शन पे हमने कढ़ाई रख दी है और ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया, एक चम्मच जीरा, जीरा भी चटक चुका है, और लाल मिर्च तोड़ के दो डाल देंगे। इससे इसमें बहुत अच्छा तड़के में देखने में अच्छी लगती है और खाने में भी। ये भी पक चुकी हैं, दो चुटकी हींग और बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं कलर चेंज होने तक। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में बिल्कुल कोई सब्जी नहीं रहती है तो ऐसे बना के खा सकते हैं। और ये पिसा हुआ प्याज लहसुन मिर्च का पेस्ट है, बहुत आसानी से बना के खा सकते हैं और खाने में बहुत अच्छी लगती है, गजब की सब्ज़ी एकदम। और देखिए इसका पानी सब सूख चुका है, ऐसे इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। अब यहाँ पे हम टमाटर वाला पेस्ट डालेंगे, टमाटर को भी हमने पीस लिया है और टमाटर से इसमें खट्टापन भी आएगा। बेसन की सब्ज़ी में थोड़ा हल्का खट्टा भी होना चाहिए। अगर आप दही खाते हैं तो दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है, इसलिए टमाटर पीस के डाला है। अगर आप लोग खाते हो डाल सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं। और दही इसको टमाटर को भी अच्छे से भून लेते हैं क्योंकि जितना अच्छे मसाले भुने रहेंगे उतना सब्जी खाने में टेस्टी लगेगी। और अब हम एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, कलर अच्छा आता है। और पहले हम ऐसे सूखे मसाले ही इसमें भून लेंगे कुछ देर के लिए, पानी बाद में ऐड करेंगे। ऐसे ही पका लेते हैं। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी डाला था बेसन को घोलते वक्त, इसीलिए बहुत ध्यान से डालना है।
और अब इस यहाँ पर हमने पानी ऐड किया है और मसालों को अच्छे से पका लेते हैं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और इसमें हमें सेब भी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सारा काम हो जाता है। उससे हमारी गैस की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। डेढ़ गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि पानी ज़्यादा ही, क्योंकि हम इसमें सेब डालेंगे तो ये सोख कर लेगा, तो पानी ज़्यादा ही। लेट लगा के हमने कवर कर दिया है। और देखिए यहाँ पे 4-5 मिनट बाद बॉयल आ चुका है अच्छे से। और जब अच्छे से बॉयल आए तभी इसमें सेब डालें। ये हमने करछी ले ली है पूड़ी निकालने वाली, कुछ भी छानते हैं इसी से छानते हैं। और अब इस पे बेसन रखेंगे और ऐसे रगड़ देंगे। और देखिए कितना बढ़िया सेव गिर रहे हैं और एकदम बहुत आसानी से ये सब्ज़ी बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया किनारे लग रहे हैं। और सेब तभी डालें जब सब्ज़ी में बॉयल आ जाए, नहीं तो नहीं अच्छे से बनेंगे। खूब बढ़िया बॉयल आ जाए तभी ऐसे डालें। और अगर तेल में छानते हैं तो ज़्यादा ऑयली भी हो जाएगा। और ऐसे बना के खा सकते हैं, किसी मेहमान को भी खिला सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। और ज़्यादा इसमें बेसन भी नहीं लगता है और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार होगी। देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं, सब किनारे लग गए हैं सेब और ऊपर उतरा रहे हैं। और इसको हमें 5-7 मिनट पका लेना है। और ये हमने बाउल धुल के डाल दिया है जो बेसन उसमें लगा हुआ था, इससे और गाढ़ा भी हो जाएगा। और थोड़ा ये ठीक हो रहा था इसीलिए ऐसे हमने कर दिया है। और लीड लगा के फिर से हमने पका लेना है। और यहाँ पे धीमे फ्लेम पे हमने पकाया है 6-7 मिनट। और देखिए ये गाढ़ी भी हो चुकी है, अभी और गाढ़ी होगी जैसे जैसे ठंडी होगी। ये बहुत लाजवाब सब्ज़ी बनती है। और अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे कसूरी मेथी, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसको हमने फिर से ऐसे चला देना है। अब हम खुला ही कुछ देर पका लेते हैं इसको। देखिए कितना बढ़िया सब्ज़ी बन गई है। और अब हमने इंडक्शन को ऑफ कर दिया है, नहीं तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम सर्व कर लेते हैं। ये चावल के साथ तो बहुत अच्छी लगेगी। देखिए हमने चावल भी बना लिया है और बेसन वाली सब्ज़ी भी बना ली है। फ्रेंड्स आप लोग भी बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।